हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, इतनी रात को आप सभी लोगों को परेशान कर रहा हूँ मैं और वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ, रात को इस टाइम भी मेरा लेटने का टाइम था, यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही है। काफ़ी लोगों के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, उनके CHSL Tier 2 में लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। 160 नंबर तक है उनके Tier 1 में, 161 नंबर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ 150 नंबर हैं Tier 1 में। और Tier 2 की कट ऑफ तो हमने देखी है, UR कैटेगरी की 190 ही गई है कट ऑफ, ठीक है, बाकी कैटेगरीज की और भी कम है, तो उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, ठीक है। और अगर ये SSC की तरफ से कोई गलती है तो क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे लेवल पे कोई गलती हुई तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ये करना है कि आपको रोल नंबर से चेक करना है वहाँ पे लिस्ट में, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तीन लिस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए लिस्ट 3, लिस्ट 3 के अंदर आपको अपना नाम चेक करना है। अगर लिस्ट 3 में आपका नाम है तो अच्छी बात है, उसमें नहीं है तो आप लिस्ट 2 और लिस्ट 1 में भी चेक करना। तीनों लिस्ट में आपको सबसे पहले वेरीफाई करना, तीनों की तीनों में चेक करना, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तीनों लिस्ट में चेक करना है, रोल नंबर से चेक करना है, एक उससे मत कर देना, ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उससे नहीं करना, रोल नंबर से ही नाम चेक करना है, ठीक है। पहला काम ये हो गया, उसके बाद भी आपका नाम नहीं मिलता, उसके बाद का सीन समझाता हूँ मैं आपको कि क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें पिछले 2017 की बात करते हैं, 2017 में जो आपका रिजल्ट आया था SSC CHSL Tier 2 का, वो आया था 10 मई को और मार्क्स आए थे 3 दिन बाद, जो कि 13 मई को। तो आज है 25 तारीख, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके मार्क्स होंगे या तो 28 में आ जाएंगे, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, तो ये आपका 1, 2, 3 तारीख, तो मतलब 5 से 6 दिन खींच सकते हैं। वैसे 3 दिन में पिछली बार आए थे, तो हो सकता है 3 दिन बाद आ जाएँ, जल्दी आ जाएँ, या फिर 5-6 दिन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। इतने दिन के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके मार्क्स आएंगे, मार्क्स आने के बाद ही Tier 4 की जो Tier 3 होने वाला है टाइपिंग वगैरह, उसकी डेट्स आएंगी, ठीक है। तो मार्क्स आएंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। अगर SSC के एंड पे गलती है तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगर SSC की तरफ से गलती नहीं है, रिवाइज लिस्ट आएगी, मतलब अगर रिवाइज लिस्ट नहीं आती है तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपके क्या आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स से पता चल जाएगा कि आपके Tier 3 में कितने मार्क्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, Tier 3 के मार्क्स की बात करें, शायद क्वालिफाइंग 33 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपके 33 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, उससे कम रह गए तो भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था, एक एस्पिरेंट के RTI के थ्रू कॉपी मंगाई गई थी, उससे हमने चेक करा था, देखा था उसके 27 मार्क्स थे सिर्फ, इस वजह से उसका CHSL Tier 2 में सिलेक्शन रुक गया था, ठीक है। ये वीडियो मैंने बना रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी प्रॉपर नहीं लगी थी जिसने चेक करी थी। जो भी रीज़न रहा हो, उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पे क्या है, 27 मार्क्स थे, इस वजह से सिलेक्शन भी रुक सकता है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 33 है, तो मिनिमम तो इतने आपको लाने ही है तभी आपका Tier 3 क्वालिफाई होगा। इससे कम हो गए तब भी आप फेल हो जाओगे CHSL में, एक रीज़न तो ये हो गया। बाकी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक एस्पिरेंट का या Tier 1 का रिजल्ट है, ठीक है, उनके Tier 1 में कितने मार्क्स थे, उनके Tier 1 में 167 मार्क्स थे, 168 मान लो, ठीक है। और इनका भी लिस्ट में नाम नहीं है, मैंने रोल नंबर डाल के चेक भी करा, इनका लिस्ट में नाम मुझे नहीं दिखा, ठीक। तो ये है कि ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम तो है जेन्युइन। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने बताया क्या हो सकता है, सही से चेक ना किया हो, सही से चेक कर लिया तो 33 से कम मार्क्स हो सकते हैं। अगर 33 से कम मार्क्स भी नहीं है तो हमें क्या करना है, देखो RTI के थ्रू कॉपी मैंने जब मंगाई थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है ना, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। इस बार शायद CHSL का मुझे पक्का नहीं पता, CGL में तो टिकट नंबर का ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है, सीधा आपको रोल नंबर डालना था और यहाँ पे क्या करना था, अपने सिग्नेचर करने थे। अगर आपने रोल नंबर नहीं डाला, सिग्नेचर नहीं करे, या थंब इंप्रेशन और ये लैंग्वेज, चारों में से अगर एक भी चीज़ आपने मिस कर दी तो आपको 0 नंबर मिलते हैं, तो उस केस में आपका सिलेक्शन चला जाता है। बाकी और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक होता है, अगर आप एड्रेस, जो आपको यहाँ पे एड्रेस दे रखा हो उसकी जगह आप कोई और एड्रेस लिख देते हो, मान लो ये वाला एड्रेस दे रखा है आपको लोधी रोड नई दिल्ली, आपने इसकी जगह क्या कर दिया, कोई और एड्रेस डाल दिया, आपने डाल दिया यहाँ पे 60 167 189, कुछ भी करके, ठीक है, मोदी विहार या कुछ भी डाल दिया आपने, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये ऐसा आ जाएगा कि आपने अपना एड्रेस डाला है, गलत तरीके से करने की कोशिश की है, तो उस केस में भी आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाती, तो उस केस में भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने गलत एड्रेस डाला है, उन्हें लगेगा कि आपने अपना एड्रेस डाल रहा है, आप अपना रेफरेंस दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो इस केस में भी सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लास्ट में एड्रेस है, तो ये चीज़ अगर ऐसा कुछ रहा है तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है, देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें 3 से 4 दिन क्या करना है, वेट करना है। 3 से 4 दिन
नहीं मतलब जब तक मार्क्स नहीं आते तब तक वेट करना है। जैसे ही मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स आने के बाद हमें ये पता चलेगा पहली चीज कि कितने मार्क्स हैं। अगर हमारे 33 से ज़्यादा हैं और फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब एसएससी की तरफ से गलती हुई है, तो रिवाइज रिजल्ट आएगा। पहली चीज़ क्या होगी, 33 से ज़्यादा हमारे नंबर हैं। दूसरी चीज़ होगी, 33 से कम मार्क्स हैं, 27, 28, 25 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक ही गया, फिर तो कुछ सीन है ही नहीं। तीसरी चीज़ क्या होगी, आपको 0 मार्क्स दे दिया टीयर 3 में, टीयर 2 में अगर आपको 0 नंबर दे दिए, इसका मतलब या तो आपने कुछ गलती कर दी, जैसे कि मैंने बताया अपना नाम रोल नंबर वगैरह सही नहीं लिखा, लैंग्वेज सही से मैंशन नहीं करी, या फिर आपने एड्रेस वगैरह अपना डाल दिया या कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर 0 नंबर हैं आपके टीयर 3 में, मैक्स ये लास्ट रिजोर्ट यही है अपने पास कि आपको 0 नंबर टीयर 2 में दे दिए गए होंगे CHSL में। अगर आपको 0 नंबर दिए गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, RTI लगाएंगे, SSC पे RTI लगाएंगे। RTI का प्रोसेसर मैंने बता रखा है एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा कि RTI लगा के कॉपी कैसे मंगानी है। RTI लगाएंगे, 7 से 8 दिन के अंदर आपकी कॉपी आ जाएगी आपके घर पर, कॉपी से ये पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको 0 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्लियर है, आपको कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पे बात नहीं है, जो भी होगा मार्क्स आने के बाद ही सब चीज़ क्लियर होंगी, ठीक है। तो मार्क्स आने तक वेट करो, हो सकता है अगर SSC की तरफ से कोई गलती रही हो तो 1-2 दिन में हो सकता है आपने आप ही SSC रिवाइज लिस्ट निकाल दे, अगर SSC के एंड पे गलती है। अगर आपके एंड पे गलती है तो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी है। अगर मार्क्स आने के बाद आपके मार्क्स अच्छे हैं और लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम SSC के पास जाएंगे और बात करेंगे कि भाई मेरे तो 190 नंबर बन रहे हैं, और मतलब मेरे तो 200 नंबर बन रहे हैं, टीयर 1 में UR कैटेगरी से हूँ, कट ऑफ 190 गई है, तो मेरे लिस्ट में नाम क्यों नहीं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रुको, अभी कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, और जो भी होगा आपके साथ कुछ अनफेयर नहीं होगा, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स CHSL के भी हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम ग्रुप्स वगैरह बना लेंगे टेलीग्राम के, और मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक वगैरह, तो सारे जितने भी होंगे अफेक्टेड पर्सन वो सारे एक साथ मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, सारे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, और कुछ ना कुछ करेंगे तो जस्टिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गलती है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, SSC की तरफ से गलती है तो वो रेक्टिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। बस 2 चीज़ें होनी है और कुछ नहीं होना इसमें। तो हमें क्या करना है, अभी मार्क्स आने तक वेट करना है, ठीक है, बस मार्क्स आने तक का वेट कर लो, इतना मेरे कहने से रुक जाओ, 3-4 दिन रुक जाओ, 3-4 दिन में आपके मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आए तो 5 दिन में आ जाएंगे, बस इतना रुकना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ये करना है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं बता लेता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो CGL 2019 और CHSL 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत रुको, तैयारी अपनी करते रहो, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना किसी भी चीज़ से, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।